20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो चुनाव आयोजित होने वाला है उसको लेकर हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। पर्याप्त मात्रा में हम लोग पास की कंपनियां हैं जिसको हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया है। पोलिंग पार्टीज के साथ में CAPF की जो टैगिंग है वो भी आज कम्प्लीट हो चुकी है। हम लोग 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 99% हम लोग जो मतदान भवन है ऊपर हम लोग CAPF की तैनाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ एडिशनल बूथ हैं वहाँ पे एडिशनल फोर्स भी बिहार पुलिस की तरफ से दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ी से इंडिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च भी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों में विश्वास का माहौल पैदा हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोग MVWs थे उसका बहुत तेज़ी से हम लोगों ने निष्पादन भी कराया और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं 107 की कार्रवाई या CCA के एक्शंस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किए हैं ताकि लोगों के बीच में माहौल बन पाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ देशवासियों से कि 20 तारीख को जो मतदाता हैं वो ऊपर आए। देखिए आज P-2 डे पर जो है टैगिंग होती है। जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं वो टैगिंग सफलतापूर्वक हम लोगों ने करा लिया है। समय से पहले ही जो सामग्री देनी होती है जो राशि ट्रांसफ़र की जाती है वो भी हम लोगों ने करा लिया है। पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए थे और सब लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। कल EVM VVPAT लेकर के उन टीम्स को वाहनों के माध्यम से जो हम लोग LS कॉलेज में हम लोगों ने बनाया है डिस्पैच सेंटर वहीं से सब लोग मूव करेंगे बूथ की तरफ, तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रचार जो है वो समाप्त हो जाना है, 48 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो भी निकला हुआ है। बूथ पर हम लोगों की सारी सुविधाएं रहेंगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का हम लोगों ने इंतजाम किया है। उस कड़ी में जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ में पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी सारा हम लोगों ने टैग किया है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स मिला है। और आप देखेंगे तो हम लोगों का जो इस चरण का चुनाव है उसमें लगभग 99% बूथों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरा लग रहा है। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, इसको यहाँ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो फुल प्रूफ हम लोगों की व्यवस्था है और अच्छी तैयारी है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। हम लोग लगातार हम लोगों ने अभियान भी चलाया है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए हैं, तो इस बार मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहेगा ये भी हम लोगों की उम्मीद है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। कितने मॉडल बने हैं? हर एक विधानसभा में एक एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है जहां महिला कर्मी ही चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हो या कार्मिक P1 P2 P3 हो, तो हर एक विधानसभा में एक एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है जहां महिला मतदान कर्मी ही चुनाव को संपन्न कराएंगी। उस मतदान केंद्र पर भी हम लोग आवश्यक सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। निःशक्त और दिव्यांगों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई? निःशक्त और दिव्यांग जैसे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया था तो उनकी होम वोटिंग हम लोगों ने करा ली है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अभी अगर वो आना चाह रहे हैं बूथ पर वोट करना चाह रहे हैं तो जो सक्षम ऐप है या 1950 है, हम लोगों का कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करते हैं और आपको जो है सुविधा चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो मूव करेंगे और वहां से घर से उनको ला करके वोटिंग करा करके फिर घर पे उनको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। ये व्यवस्था जो है 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन मतदाता हैं ये उनके लिए है कि ये व्यवस्था वो अवेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बूथों पर व्हीलचेयर रहेगा, हर एक लोकेशन पर रैंप की व्यवस्था है, तो दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। इसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्वीप की गतिविधियां हम लोगों ने की है। अभी आपने देखा मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम हुआ, जीविका दीदियों को हम लोगों ने काफ़ी इन्वॉल्व किया है, एक एक SHG की बैठक हुई है, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। और जो पंचायत स्तर के फंक्शनरी होते हैं जैसे जीविका दीदी है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, जिनके बूथ पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से बढ़ेगा उनको प्रोत्साहन राशि भी जो है वो देने का आयोग का निर्णय है। CEO ऑफिस से वो भी लेटर आया है तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने अवगत कराया है। कई पंचायतों में हम लोगों ने लगभग सभी पंचायतों में कई कार्यक्रम कराए हैं,
तो उसका असर हम लोगों को लग रहा है कि निश्चित रूप से दिखेगा और मतदान प्रतिशत हम लोगों का इस चरण में जो मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है।